फूल कबीलास के मैं नाम ले लो, फूल कबीलास के मैं नाम ले लो, फूल कबीलास वे चेत मोले लो, फूल कबीलास वे चेत मोले लो, फूल कबीलास के मैं ना फूल लो, फूल कबीलास के मैं ना फूल लो, फूल कबीलास बैसाख फूल लो, फूल कबीलास बैसाख फूल लो, फूल कबीलास को मैं ना पियारो, फूल कबीलास को मैं ना पियारो, फूल कबीलास। नमस्कार, आज हम लोग स्मृति वन में हैं और हरेला के शुभारंभ पर हमारे यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं दिलवर सिंह कठैत जी और उनके सुपुत्र गौरव कठैत। ये अपने पुत्र के लिए लगाने आए हैं, नितिन कठैत की स्मृति में यहाँ पर एक अमलताश का पौधा लगा रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आप थोड़ा आप बताइए, कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, थोड़ा बता दीजिए। धन्यवाद है। मैं दिलवर सिंह कठैत धात से अपरिचित तो नहीं हूँ, काफ़ी दिनों से जुड़ा हूँ और 2-3 साल पहले हम लोग पहले आए थे। अभी अकस्मात मेरा पुत्र इस दुनिया में नहीं रहा, मार्च में ही निकल गया। तो मैंने सुना कि पेड़ लगाना पुत्र के बराबर होता है, तो उसकी स्मृति में पेड़ लगाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस पेड़ के द्वारा जो छाया मिलेगी इसका सुख कहीं ना कहीं उसको मिलेगा। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने सर, और हमें हर्ष है कि हम आपके पुत्र की यादों को संजोने में हम आपका कुछ सहयोग कर सकेंगे। निश्चित ही ये पेड़ की जब छाया होगी तो आप उसमें अपने पुत्र की अनुभूति को महसूस कर सकेंगे। और सबसे आपने ये भी बात अच्छी कही कि पुत्र नहीं, मैं तो कहती हूँ संतान बोलना चाहिए हमें, कि संतान के बराबर ही होता है एक पेड़, उसमें पुत्र या पुत्री नहीं होता है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस शुभ काम के लिए, इस धरती को हरा भरा करने के लिए, अपना सहयोग देने के लिए, और किसी की भी याद को वृक्षारोपण के रूप में संरक्षित करना एक बहुत सबसे अच्छा कदम है, मैं तो मानती हूँ। तो हम लोग भी इसी प्रयास में हैं कि इस धरती को हरा भरा रख सकें, किसी की यादों में संजो सकें, कि खुशी का मौका हो या किसी तरह की भी यादों का संजोने का मौका हो, हम उनको संरक्षित रख सकें यहाँ पर। तो ये हमारा स्मृति वन मालदेवता रोड पर स्थल गांव में है हमारा, और यहाँ पे हमारे अब तक कम से कम 300 पौधे बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। ये हमने 4 साल पहले शुरू किया था। तो आप सब भी अगर इस धरती को हरियाली से भरने के लिए इच्छुक हैं, आपके पास जगह की कमी है, आपके घर के पास जगह नहीं है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा धात का पेज है, उसमें हमारे सभी कॉन्टैक्ट नंबर रहते हैं, आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपके इस चाहत को या जो धरती को हरा भरने करने की जो एक इच्छा है उसको हम पूर्ण कर सकते हैं। आप हमसे संपर्क कीजिए, और हमारा ये कोशिश रहती है कि हमारा जो है सभी पेड़ हमारे जीवित रहें। हमारे खुद ही हमारे सहयोगी यहाँ पर आकर इन पे पौधों की देखभाल करते हैं, और पानी वानी की व्यवस्था हमारे पास रहती है। तो आप सब जो है जो भी इस पावन कार्य में सहयोग करना चाहें हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।